भाव है। क्या महात्मा का भाव? यह है कि जहां भी रामचरितमानस जिस घर में होता है या जिस समाज में रामचरितमानस का वाचन होता है वहां तीर्थराज प्रयाग बन जाता है। बोले किससे बन जाता है? बोले ग्रंथ के रहने से। घर में ग्रंथ रहता है तो गंगा और यमुना दोनों का ही स्वरूप रहता है वहां, लेकिन वही ग्रंथ जब समाज में कथा के रूप में प्रकट हो जाता है, जैसे आयोजन के रूप में यहां, तो वो प्रयाग बन जाता है। ग्रंथ रहेगा तो गंगा और यमुना का स्वरूप रहेगा घर में, और जब उसको समाज में ला दिया जाएगा समाज के साथ व्यापक व्यवस्था में, तो जहां भी उसको आयोजन का मूर्त रूप दिया जाएगा वहां वो तीर्थराज प्रयाग बन जाएगा। आप कहो महाराज इसमें थोड़ी अटपटी बात लग रही, जरा समझाओ। यही तो मैं समझा रहा हूं। ग्रंथ रखो घर में तो ग्रंथ घर में रहेगा तो क्या होगा? बोले ये गंगा के रूप में होगा, यमुना के रूप में होगा, लेकिन जब इसको आयोजन के रूप में परिणित कर दोगे तो संत आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? संत। और संत ग्रंथ के माध्यम से जब आएंगे तो वो संत जब आएंगे तो प्रयाग बना देंगे। प्रयाग कैसे बनाएंगे? प्रयाग तो उत्तर प्रदेश की सीमा में स्थित है, ये तो राजस्थान है। क्या बात कर रहे हैं स्वामी जी, ये राजस्थान है, यहाँ प्रयाग कहाँ है? प्रयाग तो भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सीमा में है। अरे दो प्रकार के प्रयाग हैं, एक है अचल प्रयाग और दूसरा है सचल प्रयाग। ये बालकांड में ही महात्म्य वर्णन आता है प्रयाग का, इसलिए मैं वर्णन कर रहा हूं, भ्रमित मत होना। सचल और अचल कैसा है? अचल प्रयाग उत्तर प्रदेश में है, बोलो है ना अचल, जो चलता फिरता नहीं स्थिर है। लेकिन सचल प्रयाग कौन है? कह मुद मंगलमय, मुद मंगलमय संत समाजू, और जो जग जंगम तीर्थ राजू। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम, जंगम मानी चलता फिरता प्रयाग। बोले ये संत क्या है? बोले संत जहां पहुंच जाते हैं वहां चलता फिरता प्रयाग बन जाता है। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। याद रखना रामायण घर घर में है, लेकिन केवल गंगा का स्वरूप विद्यमान है रामायण में घर के अंदर। लेकिन जब वही रामचरितमानस के माध्यम से एक विशाल आयोजन किया जाता है और संतों को बुला लिया जाता है, तो वही रामचरितमानस के प्रभाव से, संतों के आगमन से, वह स्थान तीर्थराज प्रयाग बन जाता है। यह रामायण का प्रमाण है। तीर्थराज प्रयाग बन गया है, आप प्रयाग में बैठे हो। आप कहोगे महाराज जी ये तो ठीक है, प्रयाग आपने वाणी से कह दिया, लेकिन प्रयाग में तो तीन नदियां हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती, लेकिन यहां तो कोई नहीं नदी, ना गंगा जी हैं, ना यमुना जी हैं और ना ही सरस्वती जी हैं, आप कैसे प्रयाग कह रहे हो? तो मैं नहीं कह रहा हूं रामचरितमानस में गंगा कौन है। बोले राम कथा जन सुर सरी धारा, राम कथा जहि सुर सर धारा, राम कथा जहि सुर सर धारा, राम कथा जहि सुर सर धारा, सर से ब्रह्म विचार प्रचारा, सर से ब्रह्म विचार विचारा, सर से ब्रह्म विचार प्रचारा, राम कथा जहि सुरसरी धारा। ये जो राम कथा का प्रवाह चल रहा है बालकांड के अनुसार, महात्म के अनुसार, यह है गंगा की धार। बोलो क्या है? राम कथा जहि सुरसरी धारा, ये गंगा की धार है। तो गंगा की धार बोलो है रामचरितमानस के अनुसार, राम कथा जहि सुरसरी धारा, वो हिमालय से निकली हुई गंगोत्री से गंगा की धार है, और ये धार
बोले राम कथा से प्रवाहित हो रही है, तो ये राम कथा रूपी गंगा सचल प्रयाग में राम कथा रूपी गंगा है, वो अचल प्रयाग में हिमालय से निकली हुई गंगा है। आप कहो महाराज यमुना, तो सुनो भैया यमुना कौन है महात्म्य, विधि निषेध में कलिमलिहरणी, करम कथा रविनंदनी वर्णी, करम कथा। अच्छा राम कथा तब हो पाई पहले करम कथा हुई। करम कथा क्या है, ये रचना ही कर्म कथा है, बोलो है कि नहीं, ये रचना क्या है, ये कर्म कथा है, बोलो है ना, कर्म कथा। अगर आपने ये रचना ना की होती कर्म से, रचना किससे संबंधित है, रचना कर्म से संबंधित है। यदि कर्म वीरों ने कर्म का परिचय न दिया होता तो ये राम कथा में भव्यता दिव्यता का स्वरूप प्रकट नहीं हुआ होता। लगता है कि एक सप्ताह से ये रचना चल रही होगी, बोलो चल रही होगी कि नहीं, और महीनों से तो साफ सफाई की योजना ना जाने क्या क्या विचार चिंतन चल रहे होंगे, बोलो भाई है। लेकिन ये जो महामंडपम तैयार किया गया है जिसमें दिव्यतम श्री राम कथा हो रही है, ये कर्म का परिचायक है, बोलो है कर्म का परिचायक कि नहीं। तो राम कथा रूपी गंगा का प्रवाह बाद में आया, पहले कर्म कथा का स्वरूप प्रकट हुआ है। इसलिए आज जो रचना आप देख रहे हैं यही है कौन, यमुना। ये क्या है, ये यमुना है, और राम कथा का प्रवाह इसमें चल रहा है, ये क्या है, गंगा है। आप कहोगे महाराज दो तो हो गए लेकिन त्रिवेणी मानी तीन का संगम सरस्वती। अच्छा एक बात बताओ, मैं जो बोल रहा हूं मेरी वाणी से जो निकल रहा है शब्द, वो किसकी प्रेरणा से निकल रहा, सरस्वती। अगर सरस्वती जी ने कृपा ना की होती तो एक शब्द नहीं बोल पाते हम, और बोलते भी तो ना जाने क्या आएं बाएं साएं बकना शुरू कर देते, बोलो। तो आप कहते महाराज का दिमाग खराब है, सरस्वती काम नहीं कर रही है, यही कहते कि नहीं, महाराज की सरस्वती काम नहीं कर रही, सरस्वती मानी बुद्धि काम नहीं कर रही, तो बुद्धि का वास सरस्वती, सरस्वती का वास किस में है, बुद्धि में है, बोलो है कि नहीं। इसलिए बुद्धि काम नहीं कर रही है मतलब सरस्वती काम नहीं कर रही है, और बोलो बुद्धि काम कर रही है, ठीक से समझा रहा हूं कि नहीं समझा रहा हूं, है समझ में बात आ रही है, सब लोग कह रहे आ रही है, तो बुद्धि यही काम तो कर रही है, बोलो बुद्धि काम कर रही है कि नहीं। यदि मैं समझा रहा हूं आपकी समझ में बात आ रही है तो मेरी बुद्धि काम, इसका मतलब सरस्वती की कृपा बरस रही है। किसकी कृपा बरस रही, सरस्वती का प्रवाह चल रहा है। तो आज जो प्रवाह आप सुन रहे हैं ये सरस्वती का स्वरूप है, और राम कथा हो रही है गंगा का स्वरूप है, ये जो दिव्यतम रचना है यही यमुना का स्वरूप है। बोलो त्रिवेणी संगम तैयार हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बोलो, आपने स्वीकार कर लिया, हाँ त्रिवेणी संगम। अच्छा उस संगम में भरद्वाज जी रहते हैं, किस संगम में, जहां पर प्रयाग है वहां भरद्वाज जैसे श्रेष्ठ महात्मा रहते हैं, वो कहीं जाते नहीं है, वो प्रयाग में ही रहते हैं, कौन, अचल प्रयाग में। लेकिन सचल प्रयाग में भरद्वाज जी करते क्या है, बोले भरद्वाज जी कथा सुनाते रहते हैं। मैं क्या सुना रहा हूं, बोलो मैं कथा ही तो सुना रहा हूं, तो मुझे क्या भरद्वाज मान लो, चलते फिरते भरद्वाज, क्यों भाई मानना तो पड़ेगा, क्यों मानना, अच्छा क्या मान रहे हो, साधु तो मानना ही पड़ेगा, हाँ कह रहे मानना पड़ेगा, लकड़बग्घा तो नहीं मान रहे हो साधु तो मानना पड़ेगा, अच्छा कथा कह रहा हूं तो जैसे अचल प्रयाग में वहां के मुख्य व्यास पीठ पर भरद्वाज जी महाराज बैठते हैं, वो कहीं जाते नहीं हैं, केवल प्रयाग में रहते हैं, लेकिन वो अचल प्रयाग है। लेकिन सचल प्रयाग में जहां जो व्यास पीठ पर वक्ता बैठ जाएगा उसे भरद्वाज समझ लेना कि ये सचल प्रयाग का भरद्वाज बैठा हुआ है, हमें कथा सुना रहा है, सचल प्रयाग चलते फिरते प्रयाग का। तो बोलो ये परिसर क्या बन गया है, प्रयाग बन गया है। महात्म्य आज रामचरितमानस की इतनी बड़ी महिमा है कि जहां पर रामचरितमानस की विशाल कथा होती है वहां पर तीर्थराज प्रयाग बन जाता है। इसलिए आज ये कृष्णा महाविद्यालय तीर्थराज प्रयाग बन गया है, इसमें आप सबको नित्य स्नान करने का सुअवसर प्राप्त होगा। उस प्रयाग में आप जाएंगे तो आपको तमाम इंतजाम करके ले जाना पड़ेगा,
और वहां स्नान करोगे तो अपने कपड़े वस्त्र अलग करने पड़ेंगे कि नहीं, लेकिन ये और ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट 20 मिनट स्नान कर पाओगे। क्यों भाई, ज्यादा देर स्नान करोगे तो वहां के पंडित टोक देंगे, दिमाग खराब है और किसी को मौका नहीं दे रहे हो, घंटों से आनंद ले रहे हो कि इसको तुमने क्या समझ रखा है, ये गंगा है इसमें सभी को स्नान करने का अधिकार, घाट खाली करो और ज्यादा गहराई में चले जाओगे तो चले ही जाओगे, लौट के नहीं आओगे, और घाट पर रहोगे तो घाट का पंडा कहेगा बहुत देर से नहा रहे हो, इसका मतलब है दूसरों को मौका दो। चलो संगम में, बोलो संगम की सीमा है ना, वहां संगम की सीमा है, लाखों लोग स्नान करने वाले हैं, तुम घंटों करोगे स्नान तो वहां के पंडित तुरंत टोक देंगे, लेकिन ईमानदारी से बताओ यहां कोई पंडा रोकने टोकने वाला है क्या? बोलो, यहां तुम 3-3 घंटे आनंद से स्नान करो, अवगाहन हो रहा है, बोलो कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, और यहां कपड़े अपड़े उतारने की जरूरत नहीं है, मैं कपड़ों के आनंद लो स्नान का, बोलो वस्त्र भी पहने रहो, आनंद भी लेते रहो, स्नान भी करते रहो, बोलो ईमानदारी से, कितना सुंदर मौका मिला है तुम्हें, ये महत्वपूर्ण प्रयाग है। और सुनिए मेरी बात को, आपने अचल प्रयाग में स्नान किया, वहां आपने गंगा जी से जो मांगा गंगा जी ने आपको दिया, मन की बात है ये तो, भाव की बात है, कितना दिया कितना नहीं दिया ये छिपी बात है, लेकिन सत्य तो ये है प्यारे, राम कथा रूपी त्रिवेणी में, इस महा आयोजन में, प्रयाग में आपने स्नान कर लिया तो निश्चित रूप से मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि ये राम कथा का जो संगम प्रयाग है, ये प्रयाग आपको रामचरितमानस के माध्यम से ऐसे सुंदर विचार दे देगा, इतने सुंदर व्यवहार विचार दे देगा कि आपकी बड़ी से बड़ी समस्या रामचरितमानस के भाव और विचार से सुलझ जाएगी, और सुलझ जाएगी, और याद रखना जो दूरियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी, एकता का, समत्व का एक सुंदर धरातल का निर्माण हो जाएगा, और ऐसे समत्व के धरातल का निर्माण होगा कि मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपके घर में भले ही सड़कों पर राम राज्य ना आवे, लेकिन ऐसी राम कथा ये प्रयाग समत्व के धरातल का निर्माण करा देगा कि उस समत्व के धरातल पर आपके घर में राम राज्य एक दिन अवश्य आ जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। राम राज्य विचार है, ये क्या है राम राज्य, क्या है, कोई सिंहासन नहीं है, विचार है, बोलो है कि नहीं कि सिंहासन है, एक विचार है रामराज्य। सबनर करहिं परस्पर प्रीति, अगर परिवार के लोग परस्पर प्रेम करने लग गए तो बोलो रामराज्य आ गया कि नहीं आ गया, इसी को तो रामराज्य कहते हैं। रामराज्य का अर्थ थोड़ी है कि सोने के सिंहासन पे घर में बिठा लो किसी को, बोले रामराज्य आ गया है, ये रामराज्य नहीं, विचार है रामराज्य। समत्व आ जाए, वैमनुष्य दूर हो जाए, समत्व की स्थापना हो जाए, जहां समत्व के धरातल का निर्माण हो जाएगा वहीं परिवार में रामराज्य आ जाएगा। प्यारे रामराज्य कहीं दूर नहीं है, लेकिन अभाव इस बात का है कि हमारे अंदर जो वैचारिक परिवार में प्रदूषण आ गया है, वो प्रदूषण खरदूषण बनकर के बैठ गया है, बोलो बैठ गया कि नहीं, एक खरदूषण मर गया है जो रामायण में था, लेकिन ये वैचारिक प्रदूषण जो खरदूषण बन करके घर घर में बैठ गया है, ये राम के अस्तित्व को सुरक्षित नहीं रहने दे रहा है, इसलिए वैचारिक प्रदूषण रूपी खरदूषण को मारने में राम की जरूरत नहीं है, राम कथा की जरूरत है, राम कथा के द्वारा ये वैचारिक प्रदूषण रूपी खरदूषण समाप्त हो जाएगा, और जहां ये खरदूषण गया वैचारिक प्रदूषण वाला, वही रामराज्य आ जाएगा, इसलिए रामराज्य की परम आवश्यकता है, इसके लिए राम कथा सुनना बहुत आवश्यक है। महात्म्य आपने आज सुना कि ये तीर्थराज प्रयाग है रामचरितमानस, दूसरी बात है कि मुक्ति देने वाला मान सरोवर है रामचरितमानस, और मुक्ति देने वाली गंगा का भी स्वरूप है रामचरितमानस, और कर्म रूपी यमुना का भी स्वरूप है